नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप या फिर आपके फैमिली मेंबर से कोई भी सदस्य अगर सारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था, तो अभी जो फिलहाल काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होइएगा कि सारा इंडिया का सारा काम जो है ठप हो चुका है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाया गया है कि जिनका भी सारा इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था, उनका अभी जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया चालू किया है। यदि आप भी किसी भी तरीके से इन्वेस्ट किए थे, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो वैसे तो काफ़ी सारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियो पड़ा हुआ। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से अगर जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना खुद का पंजीकरण कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे का भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। दोस्तों सारा इंडिया का ऑनलाइन करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो या फिर चाहो तो कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है, सर्च कर देना है, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर में भी क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हो। सारा इंडिया का आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं, यहाँ पर mocref.crcs.gov.in ये है, आप इसको डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। फिर यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, आपको 3 डॉट दिख जाएगा, 3 डॉट के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा आपको। इस बार अपना रजिस्ट्रेशन या फिर किसी दूसरे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जमाकरण पंजीकरण जो है इसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये पेज जो है रिडायरेक्ट होगा। इस पेज को रिडायरेक्ट होने में जो भी टाइम लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अगला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। 2 और महत्वपूर्ण जानकारी, एक आपके बैंक अकाउंट से DBT लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ NPCI लिंक भी होना चाहिए। यदि ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है तभी जाकर के आप ऑनलाइन कर पाइएगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन का प्रोसेस कंप्लीट आपका होगा ही नहीं। ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली प्रोसेस दिया हुआ है, अगर इसमें से एक भी स्टेप आपका कंप्लीट नहीं किया हुआ रहता है तो आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले आप ये सारा चीज़ जान लीजिए कि आपका जो है बैंक अकाउंट में DBT या फिर NPCI लिंक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा हुआ है या फिर नहीं करा हुआ है। ये सभी जानकारी के लिए आप खुद से ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी जो भी बैंक है आपका वहाँ पे भी जाकर के पता कर सकते हैं। तो यदि आप आधार कार्ड में नंबर चेंज करना चाहते हो तो सेम डेट में आपका हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑनलाइन नंबर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आधार लिख करके सर्च कर देना, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। फर्स्ट में जो लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आधार सेवाएँ, आधार सेवाएं में यहाँ पे जब आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार संख्या सत्यापित करें, तो जस्ट इसके ऊपर मैं आपको एक क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चेक आधार वैलिडिटी, इसके ऊपर मैं एक क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है, या फिर जिनका भी चेक करना चाहते जो कैप्चा वो आपको यहाँ पर टाइप करके प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपका स्टेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, साथ साथ यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। यदि नहीं किया हुआ है तो किसी भी तरीके के भागदौड़ से बचने के लिए सही जगह पर आप जाकर के मात्र 12 से 24 घंटे में आपको अपना नंबर इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसलिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में चले जाना है, वहाँ पे आधार इनरोलमेंट सेंटर वहाँ पे जाके अपडेट कर लीजिएगा, या फिर बहुत जगह कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में भी ये सेवा उपलब्ध है जहाँ पे आप अपना नंबर जुड़वा सकते हैं। सर काफ़ी गवर्नमेंट जगहों पर भी ये काम किया जाता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होता है, आपके आधार कार्ड का 4 डिजिट यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ जो कन्फर्म ऐप है वो नंबर यहाँ पर आपको टाइप करके OTP प्राप्त के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे टाइप कर आपको वेरीफाई कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 स्टेप में आपका यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।
फर्स्ट स्टेप में आप इस तरीके से जैसे आपको बताया वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे अगला जो स्टेप है यहाँ पे नियम एंड शर्त, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके मैं सहमत के ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी कभार जो है तुरंत आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो सकता है, कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि ऑफ टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि रात में 8 बजे के बाद आप ट्राई कर सकते हैं या फिर सुबह के मॉर्निंग के टाइम में 10 बजे से पहले आप ट्राई कर सकते हैं। इस टाइम में आपका थोड़ा सा फास्टली आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम सारा चीज़ कंप्लीट कर दिए। अब आपको नेक्स्ट अगला जो स्टेप आपको आएगा जिसमें कि आपको पूरा आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है, उसको OTP के ऊपर में क्लिक करना, जो OTP आएगा वो उसको यहाँ पे एंटर करके फिर से यहाँ पे OTP सत्यापित के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। फिर से आप देख पा रहे हैं आपके दिए गए मोबाइल में OTP यहाँ पे आ चुका है जो आपके आधार में रजिस्टर किया हुआ था। टाइप करने के बाद यहाँ पे OTP सत्यापित के ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका सारे डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और जो भी बैंक इसमें आपका लिंक किया हुआ वो बैंक का नाम। ईमेल ऑप्शनल है, यदि आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि कुछ इसमें इशू है तो आप बैक भी जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फिर से नेक्स्ट के ऊपर में अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो आपको सही तरीके से फुलफिल करना है। तो जो पहला स्टेप है यहाँ पे सहारा इंडिया, तो सब सहारा इंडिया है उसमें भी सोसाइटी का टाइप काफ़ी 3-4-5 तरीके का यहाँ पे सोसाइटी सारा इंडिया में रखा गया है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप देख पा रहे हैं सारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया। तो इसमें से जो भी आपके रसीद के ऊपर में लिखा हुआ वही आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर वहाँ पर क्लियर सही तरीके से आपको फिल करना है। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है मेम्बरशिप, सदस्यता संख्या, वही चीज़ आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको टाइप करना है, किसी किसी में अकाउंट नंबर नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो आप सही तरीके से देख के लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रसीद संख्या जो रहता है ऊपर में रहेगा, सबसे फर्स्ट में ही रहता है। उसके बाद फिर पासबुक का नंबर ऊपर में रहता है वो आपको टाइप कर देना है, किस डेट में आप अकाउंट खोले थे वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और यहाँ पर आप कितना अमाउंट उसमें जमा किए थे वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यदि आप कोई भी ऋण वगैरह लिए थे तो वो इसमें टिक लगा देना है। रसीद उसको फोटो खींच के आप यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप यहाँ पे जो JPG और PDF दोनों फाइल में आप 200 KB से नीचे का फाइल आपका होना चाहिए, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ जो कई आदमी मुझे बताया कि यहाँ पर जो जमा का राशि जो है उसमें जैसे किसी में आप 2 रसीद देखते होइएगा तो 2 रसीद में जिसमें पॉइंट दिया हुआ है तो एक मुझे बताया कि पॉइंट जो होता है तो पॉइंट को आप 100 से गुना कर दीजिए, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट में जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट है उसको प्लस करके और उस अमाउंट को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो ये मुझे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आप जो है अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने जो आपका नज़दीकी सारा इंडिया का ऑफिस है वहाँ पे जाकर के इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। सारा डिटेल्स आपको फुलफिल कर देना, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा यहाँ पर दिख जाएगा। एक बार में यदि कम्प्लीट नहीं हो पाता है तो दोबारा आपको फिर से इसमें लॉग इन करके फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि अपलोड हो भी जाता है यहाँ पे नहीं दिखता है, लेकिन आपको सोच समझ के सारा काम करना है। यदि आपके नाम से 10 अकाउंट है तो 10ों को एक बार में ही कंप्लीट कर देना है। यदि आप एक बार नहीं कर पाते और एक ही का अगर आप रसीद कंप्लीट कर देते, सारी चीज़ अपलोड कर देते, फाइनल प्रिंट भी आप निकाल लेते हैं तो आप दोबारा इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, एडिट डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। समझ के करना है, यदि आपका 1 से ज़्यादा अकाउंट है तो एक बार में ही आपको सारा कंप्लीट कर लेना। जैसे एक बार 1 का डिटेल्स इसमें डाल दिए फिर इसी तरीके से दोबारा सबका इसमें स्टेप बाय स्टेप डालते जाइएगा और नीचे में यहाँ पे नंबर काउंट होते जाएगा। नीचे में जितना भी डिटेल्स दीजिएगा सब यहाँ पे ऐड होते जाएगा। फाइनली नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद एक आपका इनवॉइस जनरेट होता है जिसपे आपका सारा डिटेल्स रहता है, उसके साथ ही साथ आपका एक फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो पर आपको अटेस्टेड साइन कर देना है, साथ साथ मोबाइल नंबर दे देना, बैंक डिटेल्स वगैरह सारा आपका सब कुछ रहेगा, जो भी अकाउंट नंबर दिए हैं सब आपको चेक कर लेना है सही तरीके से। उसके बाद फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा उसको फिर से स्कैन करके या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से करें तो फोटो खींच करके आपको नेक्स्ट वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा का बन रहा है तो आपको पैन कार्ड का कॉपी भी अपलोड करना पड़ेगा, साथ साथ पैन नंबर भी देना पड़ेगा और जो भी आपका इन्वॉइस निकला था उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद फिर से जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एक जो है फाइनल रसीद जनरेट हो जाएगा,
उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपके दिए गए मोबाइल या फिर ईमेल पे भी वहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाता है। और जब आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, तब आपको 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। और 45 दिनों के अंदर में यदि आपका सारा डिटेल्स सही रहता है तो आपको जो अमाउंट मिलने वाला होगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। यही प्रोसेस अभी फिलहाल सहारा इंडिया का। तो दोस्तों आशा करते हो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को एक लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नया इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।